टाइम बढ़ाने वाला कॉन्डम। हाँ जी, आजकल ऐसे कॉन्डम्स आ गए हैं जिससे आप... नेहा बहन, आप तो लॉजिक का गांड मार रही है बिना कॉन्डम लगा के। भाइयों बहनों, एक न्यू ब्रांड का कॉन्डम निकला है। अगर उस कॉन्डम को छक्के को हिजड़े को पहनाया जाए तो आधे घंटे के लिए वो मर्द बन सकता है। तो कैसे हो यार, बुधवार रात 11:22 पर मेरे साथ इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत बड़ा स्कैम होता है। मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पर एक मैसेज आता है, हाय हेलो बेबी कर। मैंने उसका मैसेज सीन नहीं किया, लेकिन डायरेक्ट उसका मैं इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया। लेकिन उसका इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद वहां पर लिखा था डॉक्टर सुहाना सेक्सलॉजी। बायो में लिखा था कि अगर आपको किसी सेक्स से रिलेटेड कोई समस्या है तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। फिर मैंने सोचा कि ऐसा कौन सी डॉक्टर होती है कि जो अपने पेशेंट को बेबी करके पुकारती है। मैं तुरंत उसके इंस्टाग्राम के अकाउंट पर मैसेज करता हूँ, फिर वो तुरंत रिप्लाई मेरे को देती है। बोलती है कि हेलो बेबी, क्या तुमको कोई तकलीफ है सेक्स से रिलेटेड? तो मैं मस्ती के लिए बोलता हूँ कि हाँ मेरे को तकलीफ है। लेकिन मेरे से एक बहुत बड़ा गलती होता है, शायद मैं अपने 24 साल के जीवन में इतना बड़ा गलती मैं कभी किया ही नहीं। मैं गलती से अपने लिंग का फोटो उसके पास भेज देता हूँ उसके इंस्टाग्राम अकाउंट के चार्ट पर। लेकिन ये बात यहीं पर नहीं रुकती, उसने मेरे फोटो को मेरे मैसेज किए गए चार्ट को स्क्रीनशॉट लेकर वो पहले से रख लेती है। रखने के बाद मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोइंग में घुसती है। न्यूजीलैंड के बेस्ट ऑलराउंडर रचिन रविंद्रा को मैं फॉलो किया हूँ और उनके नानी को भी मैं फॉलो किया हूँ इंस्टाग्राम पर। लेकिन उनके नानी के अकाउंट पर जो मेरा चार्ट स्क्रीनशॉट लिया गया था, उनके नानी के अकाउंट पर मेरा इंस्टाग्राम का चार्ट भेजकर फिर से उसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट चार्ट पर वो भेजती है। फिर बोलती है कि देखो, मैंने दीदी के पास तुम्हारा ये फोटो और तुम्हारा मैसेज भेज दी हूँ, जब तुम मेरे को 1000 दोगे तब ही मैं ये स्क्रीनशॉट अनसेंड करूंगी। मेरी अनुराधा ऐसे कैसे कर सकती? हद तो तब होता है जब एक 13 साल के बच्चे के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसी आईडी से मैसेज आता है। वो बच्चा कोई और नहीं, मेरे घर का ही होता है। उस बच्चे से मैसेज करके पूछा जाता है कि बेबी, क्या तुमको भी कोई सेक्स से रिलेटेड समस्या है? मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आता कि 13 साल बच्चे के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, और 13 साल के बच्चे को सेक्स से संबंधित क्या दिक्कत होगी? जबकि उस स्कैमर को पता होता है, उसके अकाउंट पर बच्चे का फोटो भी छपा होता है, अपलोड हुआ होता है, DP भी लगा होता है। कृपया करके सतर्क बनिए, होशियार बनिए, नहीं तो आपके भी साथ ऐसा ही हो सकता है। लुक चेंज बीड़ू लोग। पहली रात का सेक्स कैसा होना चाहिए, तो जो फर्स्ट टिप मैं आप लोगों को देने वाली, ये हमारी नेहा बहन हर चीज बताती है कि कैसे सेक्स किया जाता है, या पहले रात को क्या किया जाता है, क्या होता है, उल्टा सीधा लेटा के बैठा के, या आधा घंटा या पौना घंटा। लेकिन ये जो भी करती है बहुत गलत करती है। शायद हर बात सबके सामने नहीं रखा जाता, कुछ कुछ बातें गुप्त भी होती हैं जो नहीं शेयर किया जाता। लेकिन इनको कौन समझाए, इनका तो दिमाग चल गया बहन जो घास चरने के लिए। और आपका दिमाग कहाँ है यार, हो गया, बस हो गया, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। जो होना था तो हो ही चुका है। अब इससे अच्छा है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिए। तब तक ले, बाय, टेक केयर यार, बाय।